आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के हनौल के महासू देवता के मंदिर से। और अभी मैं खड़ी हूँ दोस्तों यहाँ पे हनौल के महासू देवता के प्रांगण में। और दोस्तों ये आए हम महासू देवता के मंदिर के लिए, यहाँ पे आए बिल्कुल पार्किंग में, हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की अपनी। और यहाँ पे जितने भी भक्तगण आ रखे हैं सबने अपने कारें यहाँ पे पार्किंग में खड़ी कर रखी है। दिया हमने प्रसाद, ये दुकान लाए हैं प्रसाद, हमेशा मंदिर खुला रहता है। हाँ जी, 9 बजे तक रात की खुला रहेगा। हाँ जी, रात को शाम को 4 बजे और रात को 9:30 बजे पूजा होती है। हाँ, सुबह 4 बजे खुल जाएगा। सुबह 4 बजे खुल जाता है। हाँ, आप यहीं के हो? हाँ, ये दीदी जी भी बता रही हैं हमें, लोकल की हैं, यहीं के हैं। बहुत सुंदर है यहाँ, जी आपका यहाँ पे ये दीदी ने बताया मुझे कि जो महासू देवता है यहाँ के फेमस भगवान जिन्हें माना जाता है, यहाँ के क्षेत्रवासियों के जो देवता है महासू देवता, तो उनकी पूरी हिस्ट्री इतिहास, जैसे दोस्तों मैंने आपको सुरकंडा माता का इतिहास बताया था, तो वैसा ही महासू देवता का इतिहास इस स्तंभ में लिखा है। यहाँ पे ये महासू हनौल महासू देवता पड़ता है, ये हनौल लिखा है, हनौल महासू, तो ये पूरा इतिहास लिखा है यहाँ पे महासू देवता के बारे में। ये देख सकते हैं आप, जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर के ग्राम हनौल स्थित तमसा टोंस नदी किनारे श्री महासू देवता का मंदिर वास्तुकला के नागर शैली में बना है। पौराणिक कथा के अनुसार किन्निक नामक राक्षस के आतंक से क्षेत्रवासियों को छुटकारा दिलाने के लिए गुणामाट नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव और शक्ति की पूजा तपस्या की। भगवान शिव और शक्ति के प्रसन्न होने पर मैथर्ट हनौल में 4 भाई महासू की उत्पत्ति हुई और महासू देवता ने किन्निक राक्षस का वध कर क्षेत्रीय जनता को इस राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। जो महासू भगवान के हैं, शिव भोलेनाथ का ही स्वरूप है महासू देवता, तो उस राक्षस के आतंक से इधर के पूरे महासू क्षेत्रवासियों को मुक्ति दिलाई महासू देवता ने। तभी से लोगों ने महासू देवता को अपना कुल आराध्य देव माना और पूजा अर्चना शुरू की। बौठा महासू वार्षिक पवासी एवं चालदा 4 महासू भाई हैं, 4 महासू भाई थे ये। इसमें लिखा है दोस्तों स्तंभ में, बौठा महासू देवता का मुख्य मंदिर हनौल में है। बौठा महासू को न्याय का देवता कहा जाता है, उनका निर्णय स्थानीय लोगों में सर्वमान्य होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार महासू मंदिर हनौल में 9वीं से 10वीं शताब्दी का बताया गया है। 9वीं से 10वीं शताब्दी का मंदिर बताया गया है दोस्तों, ये महासू देवता का जो मंदिर है ये लिखा है इस स्तंभ में। तो जय हो महासू देवता की दोस्तों, आप सभी पर महासू भगवान अपनी कृपा करें। भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है महासू देवता। तो ये 4 भाई थे, तो इधर के क्षेत्रवासियों को मुक्ति दिलाई महासू देवता ने उस राक्षस से जिसने आतंक छा रखा था पूरे इलाके में। ये कहानी है भगवान महासू देवता की, जो मैंने आपको पढ़ के बिल्कुल अभी यहाँ पे सुना दी आपको। महासू देवता के स्थान पे यही लिखा है इस स्तंभ में। कार पार्किंग में लगाने के बाद हमने प्रसाद लिया। प्रसाद के बाद मैंने आपको महासू देवता के इतिहास के बारे में बताया यहाँ पे कि इस स्तंभ में क्या क्या लिखा है। तो दोस्तों आप सभी पर भगवान महासू देवता की कृपा बनी रही है, सभी क्षेत्रवासियों पे और आप सभी पे भी, जो आप ब्लॉग के माध्यम से मेरा ब्लॉग देखेंगे, जो आप ब्लॉग के माध्यम से महासू देवता के दर्शन करेंगे मेरे ब्लॉग में, आप सभी पर भगवान महासू देवता का आशीर्वाद बना रहे दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे मंदिर को, मैं आपको आगे मंदिर में दर्शन कराऊंगी महासू देवता के। और ये यहाँ पे प्रसाद की दुकानें लगी हैं गली में अंदर जाने को मंदिर तक। प्रसाद की दुकानें हैं मंदिर के बाहर, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे निकाले अपने एंट्री है, यहाँ से भगवान महासू देवता के मंदिर में जाने की एंट्री है।
भगवान महादेव के मंदिर में आने के दोस्तों जो एंट्री है तो बिल्कुल जो पुराने जमाने की पुराने पत्थर होते थे, पुरानी कलाकृति होती थी, जैसे पुरानी कलाकृति के हिसाब से बनाते थे मंदिर में डिज़ाइन, वैसी ही दिखा मुझे यहाँ पे। बड़े बड़े पत्थरों से, जैसे गाँव में जिन पत्थरों के मकान बनते हैं, तो पुरानी कलाकृति के हिसाब से ये मंदिर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, मंदिर की बनावट देवता के आ रखे हैं। एरिया बिल्कुल खुला एरिया है, मंदिर के अंदर का प्रांगण एकदम दोस्तों देख सकते हैं आप, ये भी छोटे छोटे मंदिर हैं, पूरे गांव की कलाकृति के हिसाब से बने हैं मंदिर, जैसे गांव के पुराने मंदिर होते हैं वैसे हैं। अब कीजिए हमने यहाँ से एंट्री, जय महाशिव देवता की। महासुदेवता की पूजा करते हैं मंदिर में, इन्हीं बादल देव भूमि के उत्तराखंड के वो दवाओं को बचा के महासुदेवता का आह्वान होता है। और ये है, ये दोस्तों देख सकते हैं जब हमसे हमने एंट्री की, तो एंट्री पे दरवाजे लगा रहता है यहाँ पे। ये है यहाँ के वादन है, ये मेन वादन है, ये महासुदेवता का वादन है ये। यहाँ से आए हम दर्शन करके बाहर, यहाँ है भगवान महासुदेवता, यहाँ है मंदिर के अंदर है उनकी मूर्ति, और सारे छत्र सब यहाँ चढ़ रहे हैं मंदिर के अंदर, यहीं से सभी भक्तगण दर्शन करके यहीं से बाहर आ रहे हैं दोस्तों। ये के अंदर मेन महासुदेवता का स्थान है, अभी तक नहीं जाना, उसने पूरे अंदर रख दी, वो अंदर चला दे, ये मजबूतन बल भैर मां हैं। धूप जला रहे हैं यहाँ पे, अंदर धूप नहीं जलाने दे रहे हैं, धूप को यहाँ मासो देवता में बाहर में जलाते हैं यहाँ पे, जो कि हमने भी जला दी यहाँ पे धूप। और मंदिर के ठीक बराबर में दोस्तों यहाँ पे टोंस नदी बह रही है, बड़ी दिखा रहे ना, ये है टोंस नदी का व्यू है यहाँ से, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है महासुदेवता का मंदिर। जमाने के जैसे पुरानी कलाकृति होती थी ना पत्थरों की, तो वैसी कलाकृति है मुझे मंदिर में, गांव के जैसे मंदिर छोटे छोटे। चलो ये हम महासुदेवता के मंदिर से आए दोस्तों दर्शन करके बाहर, बाहर से आप मंदिर की कलाकृति देख सकते हैं, अलग ही है, बिल्कुल अलग कलाकृति है मंदिर की, जैसे गांव के मंदिर होते थे, पुरानी अच्छी कलाकृति है। और ये यहाँ पे कुछ मंदिर धार में बने हैं, ये छोटी छोटी छोटियाँ, ये उनमें भी भगवान जी विराजमान है। ये हनौल महासुदेवता के मंदिर के, मैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ाऊँगी, ये यहाँ पे मूर्ति है, शिव शक्ति की मूर्ति है यहाँ अंदर। यहाँ भी जैसे गांव में छोटी छोटी कूड़ियाँ नहीं, कूड़ी बोलते थे इनको गांव में, झोपड़ी,
पूरी बोलते थे इनमें, तो इनके अंदर भी भगवान जी विराजमान है। ये बाहर से बने हैं ये मंदिर, और ये भी पूरे पत्थर की शेप के हैं, पत्थरों से बने हैं ये झूठे हैं जो मंदिर, छोटे छोटे मंदिर हैं ये पत्थरों से बने हैं। गाँव के जैसे मंदिर है पूरा दोस्तों, महासू देवता का जैसे गाँव के मंदिर बने हैं पूरा व्यू। और एक फीलिंग्स होती थी यहाँ पे आके, फीलिंग्स भी ऐसी होती है हमारी जैसे बिल्कुल अपने गांव के मंदिर में चले गए होंगे हम, अभी जैसे हम अपने गांव के मंदिर में होंगे पूरा। और दोस्तों ये हमारे देव होंगे उत्तराखंड है, जहाँ के कण कण में देवताओं का वास है, कण कण में जहाँ पे देवता विराजमान है। तो यही हमारी देवभूमि उत्तराखंड की अलग ही पहचान है, अलग ही बात है, जहाँ के कण कण में देवताओं का वास है दोस्तों। तो ये वही देवभूमि में भूमि है हमारी। आज दोस्तों मैंने महासू देवता के दर्शन कर दिए, और यहाँ के क्षेत्रवासियों के हिसाब से यहाँ का पहनावा पहन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैंने महासू देवता के दर्शन आपको भी कराए मंदिर के और हनौल क्षेत्र के। और दोस्तों बहुत ही सुंदर है ये हनौल क्षेत्र, महासू देवता का मंदिर जहाँ पर है, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है यहाँ पे।